SPQA स्कीम के तहत मदरसों में साइंस असाजा की तकर्री 97-98 में की गई थी और उससे लेकर आज तक 2020 तक जो है उनकी तनख्वाहें जो है रुकी हुई थी। तो उस सिलसिले में मैं दिल्ली गया और जाकर वहां से जो पैसे थे उसको परमिशन लिया और परमिशन लाकर 97 से लेकर 2014 तक का परमिशन मिला और उसमें 18 साल की तनख्वाहें अदायगी कर दी गई है। अब 14 के बाद जो बाकी तनख्वाहें हैं उस सिलसिले में मैंने विभाग को लिखा है, जैसे ही परमिशन मिलेगा 2 साल की तनख्वाह की अदायगी कर दी जाएगी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जैसे पैसे फराहम होंगे उनकी तनख्वाहों की अदायगी कर दी जाएगी। अभी मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा था कि जो तनख्वाह 6,000 है उसको 25,000 किया जाए। मैं बराबर मुतालबा कर रहा हूँ भारत सरकार से कि इनकी तनख्वाहों में इजाफा की जाए, जैसे ही इजाफा होगा इंशाल्लाह उनको भी तनख्वाहें बड़े रेट से मिलेगी। इसलिए एक लंबे अरसे से इस सिलसिले में कोशिश लोगों ने नहीं किया था, जिसके नतीजे में जो काम कर रहे साइंस असाते हैं वो मायूस हो गए थे, लेकिन मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्द उनकी तनख्वाहों की अदायगी कर दी जाएगी और उनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए भी भारत सरकार से रब्ता करके तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। मूर्ख 23 सितंबर 2020 से बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड की जानिब से वज़ीर आला इस्तेहकाम मंसूबा के तहत 100 मदरसों को पहली किस्त में कंप्यूटर प्रिंटर UPS फराहम करने का फैसला किया गया है और इस मंसूबे के तहत जो है 100 मदरसों को पहली बार कंप्यूटर प्रिंटर फराहम कराई जाएगी और इसके साथ साथ 1127 मदरसों को बारी बारी बुलाकर तमाम मदरसों में कंप्यूटर प्रिंटर UPS फराहम कराई जाएगी। इसका मकसद है कि मदरसों में जदीद तालीम से बच्चों को जोड़ा जाए। आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, जहाँ एक तरफ किताब के ज़रिए हम बच्चों को तालीम देते हैं, दूसरी तरफ हम जदीद टेक्नोलॉजी से मदरसा के तलबा और तालबात को रोशनाज कराना है। और अभी हाल के दिनों में मदरसा बोर्ड के ज़रिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का, ऑनलाइन मार्कशीट देने का, ऑनलाइन एडमिट कार्ड देने का, ऑनलाइन एडमिशन करने का इंतज़ाम किया गया है। अब कंप्यूटर प्रिंटर मदरसों में फराहम कराने के बाद बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी और बच्चे उससे सीख सकेंगे। साथ ही नीतीश कुमार उजियाला बिहार का मंसूबा है कि मदरसों को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए। एक तरफ जहां दीनी तालीम अच्छी तरह से दी जाए, वहीं जदीद निसाब तालीम SCERT बुक और NCERT के बुक को 1 से 8 तक, SCERT का बुक और फौकानिया और मौलवी तक 9 to 12 तक NCERT के बुक की तालीम दी जाएगी। अभी हाल के दिनों में बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने 1 से 8 तक SCERT के बुक टेक्स्ट बुक से पब्लिश कराया गया और साथ ही जो मजहबी किताबें मदरसों में राइज हैं उसको प्रिंट कराकर वज़ीर आला मदरसा पुस्तक वितरण वाहन के जरिए तमाम ज़िलों में किताबें फराहम कराई जा रही हैं। 25 साल मदरसा बोर्ड की तारीख में पहली बार हमारे मदारिस के तलबा और तालबात और असातिज़ा कराम निसाब के मुताबिक किताब देख सकें। साथ ही यूनाइटेड नेशन का जो तंजीम है UNICEF, उसकी मदद से मदरसा बोर्ड के निसाब को मुरतब कराया गया और उसको निसाब तालीम को पब्लिश कराया गया है और उसी के मुताबिक किताबें तमाम ज़िलों में तमाम मदरसों में भेजी जा रही हैं। साथ साथ असातिज़ा को जदीद तालीम से रोशनास कराने के लिए लर्निंग आउटकम की ट्रेनिंग दी गई। बच्चों को कैसे पढ़ाएं, पहले क्या था तालीम के मामले में बच्चों को रटा दिया जाए, अब नया तालीम जदीद तालीम के ज़रिए बच्चों को किताबों के ज़रिए से उनकी उनके अंदर सलाहियतें जो छुपी है उसको कैसे हम निकालेंगे, बच्चों को सलाहियतों को कैसे निखारेंगे, इस तरह की ट्रेनिंग टीचरों को दी गई है ताकि रटाने का जो सिलसिला है वो ख़त्म करके हम बच्चों के अंदर सलाहियतों को उभारेंगे और उनको पढ़ने कर समझने का मौका फराहम कराएंगे। ये काम शुरू किया गया है और अभी कोरोना के वक्त में जब तमाम लोग घरों में मासूर थे
उस वक्त बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने ऑनलाइन क्लास शुरू किया गया और उसमें निसाब के मुताबिक क्लासों को तैयार करके और उसको मदरसा बोर्ड के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर डाला गया है ताकि बच्चे पढ़ सकें। मदरसा बोर्ड का जो यूट्यूब है BSME ऑनलाइन क्लासेस, जब आप खोलेंगे तो क्लासेस जो तैयार करके डाले गए हैं बच्चे पढ़ सकते हैं। मदरसा बोर्ड के वेबसाइट को रिच किया गया है और मदरसा बोर्ड के वेबसाइट पर 1 से 8 तक की किताबों को ऑनलाइन डाला गया है और 9th-10th मौलवी और फोकानिया के क्लास की किताबों को भी मदरसा बोर्ड के वेबसाइट पर डाला गया है। मजहबी किताबों को भी 1 से लेकर मौलवी तक, कातानिया से लेकर मौलवी तक की किताबों को मदरसा बोर्ड के वेबसाइट पर डाला गया है। अब बच्चे उसे खोल कर पढ़ सकते हैं, उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हैं। इस तरह तालीम को आम करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार का मंशा है कि मदारिस में पढ़ने वाले तलबा तालबात, हिंदुस्तान में रहने वाले 2.5 करोड़ मुस्लिम आबादी, जिसके ज़्यादातर गरीब कमज़ोर बच्चे मदरसों में तालीम हासिल करते हैं, वो किसी तरह से पीछे न रह जाएँ। उनको आप देखेंगे, हाल के दिनों में वज़ीर आला बिहार ने मदारिस के असातिज़ों को 6वीं शरत तनख्वाह, 7वीं शरत तनख्वाह, साथ साथ नए जो बहाल 814 मदारिस के हैं जिनके फिक्स तनख्वाहें थी उनको भी स्कूल के मसावी तनख्वाह दी गई, और साथ साथ अभी हाल के दिनों में EPF स्कीम लागू किया गया है, और उसके साथ 15% जो 814 जुमरे के मदारिस के असातिज़े हैं उनकी तनख्वाहें भी 1 अप्रैल 2021 से बढ़ा दिया गया है। इस तरह मदारिस के असातिज़ा किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रहेंगे, वो तनख्वाह का मामला हो, EPF पेंशन का मामला हो, तनख्वाह की बढ़ोतरी का हो, किताबों का हो, कंप्यूटर का हो, किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रहेंगे। ऑनलाइन क्लास का हो या ऑनलाइन फॉर्म भरने का, ऑनलाइन उनको एडमिट कार्ड मार्कशीट देने का, हर तरह की सहूलत फराहम कराए गए। और वज़ीर आला बिहार ने बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड की बिल्डिंग को मौला मजरुलक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के नव तामीर बिल्डिंग में 1 फ्लोर 60,000 स्क्वायर फीट फराहम किया है। बहुत जल्द बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन को बिल्डिंग में हम वहाँ चले जाएंगे, और ये अभी तक 100 साल मदरसा बोर्ड किराए पर था, अब मदरसा बोर्ड को अपने मकान अपनी ज़मीन हो जाएगी, वहाँ हम काम करेंगे। और वज़ीर आला बिहार ने 17 फरवरी 2019 को पूर्णिया में रीजनल सेंटर कायम किया, वहाँ जो 3 कमिश्नरी के जो 800 मदारिस हैं, 8 ज़िले हैं, तमाम मदारिस के तलबा तालबात के काम पूर्णिया से किए जा रहे हैं। आने वाले दिन में मदरसा बोर्ड और मदरसा के असातिज़ा, मदरसा के मुलाज़मीन के बहुत बेहतर दिन आने वाले हैं और बेहतर ढंग से तालीम दी जाएगी, अच्छी ज़िंदगी बनेगी इंशाअल्लाह। इन्हीं बातों के साथ मैं बात करूँगा।